जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच बुद्धा सेंटर सेंटर ब्यासर मालंदा। आज हम आपको पहाड़ पे लाए हैं हमारी टीम को, और ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हाई जंप के लिए सिर्फ दो मात्र एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका जंप बढ़ सकता है। अभी हम लोग इनको दौड़ा के रखे, हिलाते रहे पैर, आप देख रहे हो इनको थोड़ा सा पैर रिलैक्स कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और रिलैक्स हो भी रहा है। इसके बाद हम लोग हाई जंप के लिए जो दो मेन एक्सरसाइज उसे फोकस करेंगे। रिलैक्स, सभी का पैर ऊपर, जल्दी पैर ऊपर दीवार पे, जल्दी दीवार पे, रिलैक्स हो गया। अरे ऊपर गन पोजिशन, जल्दी पहला एक्सरसाइज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कमर, क्योंकि अगर कमर में दम नहीं रहेगा तो आपका हाई जंप ये उठा नहीं पाएंगे, उल्टा सीधा आदमी गिर जाता है, उसको पैर में दर्द आता है। अभी सिर्फ क्या करेंगे, कमर डाउन करेंगे, बैंड नहीं मारना है, डाउन कमर डाउन, ऊपर देखिए आसमान को, आसमान को देखिए, अप मस्ती नहीं, अरे से बोलना पड़ेगा मेरे को, दो ऊपर देखिए, कमर डाउन बिल्कुल, अप डाउन, अप, अरे कमर में जोर पड़ता है, हाई जंप में बहुत जरूरी है, कमर सिर्फ पांच बार करेंगे, और एक ऊपर देखिए आसमान को देखिए, अप गिरो नहीं, गिरो नहीं, अगर हाई जंप मजबूत करना है तो दो ऊपर आसमान को देखिए, अप तीन ऊपर देखिए, अप चार, अप ऐसे रहेंगे, अभी ऐसी पोजीशन कमर ऊपर। अगर आपके पास पहाड़ की सुविधा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां रूम में रहते हैं आप अपने चारपाई के ऊपर पैर रख कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे जब 10 बार भी करेंगे आपका शुरू में कमर में बहुत ज्यादा पेन आएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे करना है, पहले कम ऊंचाई से फिर ऊंचाई बढ़ाते रहना है। कमा तीन बार और, एक ऊपर आसमान देखिए, डाउन, दो डाउन, तीन अप, लेट जाइए वहीं पे, वहीं लेट जाइए सेम पोजीशन। अभी इस एक्सरसाइज करने के बाद कमर में आपका दर्द जैसा महसूस होगा, वो दर्द को कैसे दूर करना है अभी आप देख लीजिए। दोनों पैर पकड़िए हाथ से, दोनों हाथ से पैर पकड़िए, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए, एक बोलेंगे तो सीना अप होगा, पूरा प्रेशर कमर पे आना चाहिए, कमर अप, पूरा खींचे पैर को। अभी आप देखिए ये यहाँ पे इस जगह दर्द हो रहा है जी, डाउन, पूरा उठाना है कमर में प्रेशर आना चाहिए, दो तीन डाउन डाउन, रिलैक्स। अभी ऐसे रखिए हाथ और पैर हिलाइए आगे पीछे। अभी अगला एक्सरसाइज ध्यान से देख लेंगे सब लोग, क्या करना है आप लोगों को, ये रहेगा, ये देख रहे हैं सर, एक पैर से मुड़ा हुआ रहेगा, बोलेंगे यहाँ रख सकते हैं आप हाथ, एक वापस, मतलब आपको कमर उठाना है, दो वापस, फिर दूसरा पैर, ये एक वापस, समझ गए सब लोग, यस सर, कमर पोजीशन ले, मोड़ लिया हल्का, कम ऑन, एक कमर उठाए पूरा डाउन, अरे भाई नहीं समझे थे, डाउन कमर उठा रहे, कमर के एक्सरसाइज, यस सर, तीन डाउन, चार डाउन, अरे इससे कुछ फायदा होता है, कहाँ पे प्रेशर आता है, कमर पे आ रहा प्रेशर, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, कमर दो बार और, एक डाउन, पूरा बॉल उठाई कमर के साथ, दो डाउन,
टायर चेंज कम ऑन सेम टास्क एक डाउन इसको उठाओ जी इसको दो डाउन अभी 5 सेकंड तक रोकेंगे कम ऑन तीन एक दो तीन चार पांच इससे क्या फर्क पड़ा 5 सेकंड रोकने पे कमर ऐसे पड़ा ना यस सर दो बार और अप एक दो तीन चार पांच एक बार और अप एक दो तीन चार डन बहुत बढ़िया रिलैक्स साइकिलिंग शुरू अभी आपने जो देखा ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है खासकर कमर के लिए कमर में अगर आपके दम है आप बढ़िया से बढ़िया जंप ले सकते हैं ये आपने दो एक्सरसाइज देखा अब अगला देखते हैं क्या होता है आप लोगों को बताते हैं तुरंत उसको ध्यान रखिएगा कई लोग क्या करेंगे ऐसे जाएंगे ऐसे उठेंगे बिल्कुल नहीं एक बार आपने बाएं पर रख लिया बोले एक पूरा ठीक है ये एक्सरसाइज मात्र 6 बार करेंगे तभी आपका ये जो पावर है ये इसको तेजी में उठा रही है फास्ट समझ आ गया पोजिशन ले एक जल्दी पोजिशन नीचे दो तीन चार कम ऑन एक साथ पांच छह सात आठ नौ दस कम ऑन फिर चेंज टायर चेंज गिरना है स्लिपिंग करना है कम ऑन एक पूरा फास्ट उल्टा हाथ जाएगा जी उल्टा हाथ उल्टा पैर दो कम ऑन तीन चार पांच छह रुके नहीं सात आठ नौ दस रिलैक्स सभी का फेस इधर अगला एक्सरसाइज अभी क्या करना है आपको यहाँ साइड में रहेंगे इस जगह पे बोलेगा एक तो ये उठाना है ऊपर ये ऊपर उठा के रोक लेना है इसे यहाँ रोक के रखेंगे सभी लोग जब तक डाउन नहीं बोलेंगे ठीक है कम ऑन सिर्फ पैर रोक के रखना जब तक बिस्सी नहीं बजेगा समझ आ गए सबको ऊपर चढ़ के पैर ऐसे रोक के रखेंगे उठा के पैर रखो इसे बॉडी बैलेंस चाहिए मेरे को हाथ नॉर्मल रखो कोई दिक्कत नहीं डाउन दो रोक के रखो हाथ पंजा ऐसे बॉडी बैलेंस रखिए डाउन तीन डाउन अभी फास्ट होगा यही काम समझ गए सब लोग इसको तेजी उठाना है बिल्कुल फास्ट ये देखिए ये क्या करना है आपको इसी भैया मतलब ये उठाया और नीचे जितना तेजी से उठाएंगे उतना तेजी से नीचे होगा कम ऑन बॉडी को लगना चाहिए कि बॉडी ऊपर उठ रहा है कम ऑन फेस चेंज फेस उधर सभी का अभी पहले 5 सेकंड रोकेंगे पहले उठा के रोकेंगे रोक के रखो बॉडी रोक के रखो बैलेंस बनाओ पहले अरे क्या ढूंढ रहे थे जब तक बैलेंस नहीं होगा आपका बॉडी का हाई जंप सही नहीं होगा डन अब इसी काम को तेजी के साथ आठ और पांच अपनी मर्जी से 5 बार गो पांच एक कम ऑन दो तीन चार पांच रिलैक्स अगला एक्सरसाइज बॉडी जब तक आपका बॉडी बैलेंस नहीं होगा आपका हाई जंप सही नहीं होगा अभी क्या करेंगे खड़ा होंगे किनारे पे खड़ा होकर के इस तरीके से बॉडी को बैलेंस रखेंगे गिरना नहीं है मतलब सिर्फ टो रखना है इसके ऊपर और बॉडी का बाहर पीछे की ओर ताकि बैलेंस बना रहे आपका
पोजीशन रेडी अप। अभी आप देख रहे हैं कि ये बैलेंसिंग है। अगर जो आदमी का कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ सकता है कि हम पंजा टो पे हम खड़ा रह सकते हैं, वो हाई जंप हो सकता है जी। यस सर। कम ऑन, ऊपर नीचे 10 बार गो। हाथ आगे रखे, बॉडी बैलेंस रहेगा। आगे पीछे कीजिए 10 बार, कीजिए, देखिए हो जाएगा, प्रयास कीजिए। रिलैक्स, डन। अगला एक्सरसाइज, ये हाथ रहेगा, ठीक है, बोलेगा जंप, तो ये यहां से अब नीचे नहीं कूदना है, कैसे कूद के पीछे, ये काम नहीं करना, इसी में दर्द बढ़ेगा। सिर्फ ऊपर जंप लेना, ताकत लगाना है ऊपर की ओर, नीचे नहीं। या होगा अप, फिर नीचे उतरना है। क्या रहे मात्र 5 जंप। हाथ आगे सभी का, हल्का डाउन हो, ये ऊपर के सब लोग डाउन, आराम से पैर रखे उधर ही, जब तक डाउन नहीं बोलेगा डाउन नहीं होगा। यही गलती है जो आप लोग जो हाई जंप करने के बाद क्या करते हैं, ऐसे गिर जाते हैं ना। ये बॉडी कंट्रोल कीजिए, डाउन। आपका जंप करने के बाद बॉडी कंट्रोल होना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए, ऐसे बॉडी दो, वहीं रुको। हाँ, हाथ आगे, डाउन, अप। बैठो वहीं पे, तब बॉडी कंट्रोल रहेगा, डाउन। एक बार और, अप। आप बैठिए, अभी बैठे बैठे हल्का पीछे आओ, कितना बैलेंस रख सकते हो बॉडी को, गिरना नहीं खाली। हाँ, रुको वहीं पे, अब पकड़ लीजिए नीचे, किनारा पकड़िए, बिल्कुल रिलैक्स मिलेगा। पीछे अड़िए, पकड़ के अड़िए, पीछे खड़ा मत लेना, रहे अब वैसे खड़ा होंगे, सिर्फ वहीं पे पकड़े खड़ा होंगे, अब खड़ा वैसे, अरे पकड़ रहे उसको, डाउन। देखिए कहाँ पे पेन होगा आपको, कहाँ पे होता है जी, अब बहुत आराम करेगा इसके, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, डाउन। बॉडी बैलेंसिंग इसी से सीखेगा आप लोग, अपनी मर्जी से 10 बार को। एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं बॉडी बैलेंस करने के लिए, जब तक बैलेंसिंग आपका नहीं होगा, हाई में पावर नहीं आएगा, आपका हाई जंप कंट्रोल नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे आप लोग। अपनी मर्जी से 10 बार है भाई, गो। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आप हाई जंप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जरूर इम्प्रूवमेंट होगा, ये मेरा भरोसा है और विश्वास भी है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के दौरान नए रिक्रूट जो आते हैं सीआरपीएफ में, उनको ट्रेनिंग में सिखाया था और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कीजिएगा। थैंक यू, जय।